हाँ जी नमस्कार। राधे राधे हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। पितृपक्ष आरंभ होने वाले हैं। इस समय आप में से मैक्सिमम लोगों को अपने पितरों के दर्शन स्वप्न के माध्यम से हो रहे हैं। स्वप्न में कभी कभी पितर ऐसी स्थिति में दिखाई देते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। फिर हम कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं। तो 10 तारीख से लेके पूरा 25 तारीख तक आपके लिए जो है, ये जो अवसर है, पितृ दिवस, मातृ दिवस के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, पितरों के लिए समझ सकते हैं। इसमें पितरों के लिए कुछ कार्य आपको करना चाहिए। पहली चीज़ ये, हमारी एक मान्यता है कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, पितृपक्ष में सारे शुभ कार्य कर सकते हैं आप। पितृपक्ष में इसलिए कार्यों को करने के लिए मना किया गया है कि अगर आपको नहीं रोका जाएगा तो आप पितरों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए 15 दिन कहा गया है कि पितरों का है, अतः आपको पितरों पे फोकस करना चाहिए और कार्यों की अपेक्षा पितरों को तरजीह देना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा गया कि 15 दिन कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बकाया आपके पितर हैं, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, वो अगर आपके लिए शुभ नहीं है तो शुभ कौन होगा? बिल्कुल शुभ मास है, शुभ पक्ष है। उसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है या हमारा सामाजिक कारण है, वो यही है कि चूंकि हम लोग सदैव अर्थ के पीछे परेशान रहते हैं तो शास्त्र कानून इसलिए रोक दिया कि 15 दिन भी हम अर्थ के पीछे भागेंगे, पितरों की अवहेलना कर देंगे। इसलिए इस 15 दिन को और कार्यों के लिए निषिद्ध कहा गया। लेकिन शुभ है, आपके पिता आपके पास आ रहे हैं, माता आ रहे हैं, तो कैसे अशुभ हो सकता है? तो पहली बात तो अशुभता का जो विचार है उसका परित्याग करिए। इस बीच आपके स्वप्न में अगर आपके पितर आपको दर्शन दे रहे हैं तो उनको प्रणाम करिए। कहीं वो आस पास हैं, आपको एनर्जी देने के लिए आए हैं। तो कुछ सपने जो पितर आपको दिख रहे हैं उनका क्या अर्थ है, दो चार सपनों की मैं बात, जो आजकल बहुत ज़्यादा मैसेज करके लोग पूछ रहे हैं, उनकी बात मैं बताता हूँ। पहले पितर जो है उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने मैसेज किया कि पितर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, पितरों का हाथ बढ़ाना आपकी तरफ मतलब अपनी एनर्जी को आपको प्रदान कर रहे हैं और आपके ऊपर आने वाली समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अतः अब आप क्या, ये कर्तव्य है कि श्रद्धा अनुसार पितरों का तर्पण करें, पितरों को श्राद्ध दें। श्राद्ध मतलब श्रद्धा, पितरों के प्रति श्रद्धा दिखाएं। देखिए, सूक्ष्म आत्माएं हमारे आप आस पास ही हैं, वो हमें देख रही हैं। स्थूल आत्मा, स्थूल आंखें उनको नहीं देख रहे, इनकी सूक्ष्म आंखें उनको, वो हमें देख रही हैं। वो पितृलोक से हमें देख रहे हैं। पितृलोक कहाँ है? अंतरिक्ष से ऊपर बढ़िए तो पितृलोक ही तो आता है। तो वहां से हमें वो देख रहे हैं, हमें एनर्जी प्रदान करना चाहते हैं। तो अगर आपके पितर आपके तरफ हाथ बढ़ाते दिखें तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपके पितर आए हैं और आपको लेके जाना चाहते हैं। नहीं, वो आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए आ रहे हैं, वो परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। किंचित अवस्था में कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आपके पूर्वज हैं या आप देखते हैं स्वप्न में कि पूर्वज आपके ऊपर हाथ फेर रहे हैं, इसका मतलब आपके घर में सुख शांति आने वाली है, सुख शांति आ चुकी है। वो सुख शांति बरकरार रहे, वो सुख शांति बरकरार रहे, ऐसा आपके पितर चाहते हैं। पितर आपसे प्रसन्न है, पितर पूर्णतया आपसे प्रसन्न है। आपके हाथ पे सिर कब फेरा जाता है? जब व्यक्ति पूर्णतया प्रसन्न हो, ठीक है ना। बच्चे के हाथ पे आप कब सिर फेरते हैं? जब वात्सल्य आपका उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, तो पितरों का प्रेम आपके प्रति उमड़ रहा है, आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। फिर भी श्रद्धा अनुसार पितरों के लिए श्राद्ध करते रहिए, तर्पण करते रहिए। तर्पण मतलब, तर्पण का तात्पर्य होता है कि उनको तृप्त करिए और स्वतः अपने आप को आगे का मार्ग प्रशस्त करिए। उनकी तृप्ति के सहारे अपनी नैया को भी आगे ले जाइए। श्रद्धा से करिएगा, नाम ही है श्राद्ध, श्रद्धा के साथ करिएगा, जो कुछ करिएगा मन से करिएगा। किंचित अवस्था में आपके
आप ऐसी स्थिति देखते हैं कि आपके घर में संतान हो गई है, या कोई गर्भवती महिला है, या कोई बच्चा रो रहा है, खेल रहा है, और पितर वहीं पे हैं। इसका मतलब वो जो दिव्य आत्मा है, वो जो आत्मा आपके परिवार से निकल गई है, वो पुनः वापस आने वाली है। वो आपके परिवार में पुनः संयुक्त हो रही है, और आने वाले 1 वर्ष के अंदर जो नेक्स्ट घर में सदस्य आ रहा है, वो उन्हीं की आत्मा के स्वरूप में आ रहा है। कभी-कभी हम देखते हैं कि हमारे जो पितर हैं वो परेशान हैं, चिंतित हैं, रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। यह आपके जागृत होने का समय है, जग जाइए। उनके तर्पण में कुछ भूल हुई है, उनका जो श्राद्ध कर्म किया है उसमें कुछ भूल हुई है। आपने मन से नहीं किया, केवल टालने के लिए कर दिया है, इसलिए आपके पितर आपसे खुश नहीं है। तो ये जो अवसर है, 15 दिन का अवसर, 16 दिन का, इस पे आपके बीच से जो आत्माएं नहीं हैं उनके लिए श्राद्ध करिए। आप बेटा हैं, बेटी हैं, क्या हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे। आप घर में छोटे बच्चे हैं, बहू हैं, बेटी हैं, माँ हैं, लेकिन आपके घर में अगर जो बड़े लोग आते हैं, गुरुजन आते हैं, आपके पितर आते हैं, आपके बाबा जी आते हैं, वृद्ध लोग जो भी हैं घर में आते हैं, अगर आप उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपको आशीर्वाद देंगे। नहीं मतलब है कि आप कौन हैं, बहू है तब भी, बेटी है तब भी, बेटा है तब भी, किसी भी स्थिति में आप उनके चरण छुए वो आपको आशीर्वाद देंगे। उसी तरह शास्त्रकार हमारे ये कहते हैं कि तर्पण करने का जो विधान है पुत्रों का है, लेकिन अगर आप पुत्र नहीं हैं, पुत्री हैं, बिल्कुल तर्पण करिए, श्रद्धा के साथ श्राद्ध कर्म करिए। ये जो आत्माएं हैं ना, इनके लिए स्त्री और पुरुष का भेद नहीं रहता, स्त्री और पुरुष का भेद हमारे आपके लिए है, आत्माओं के लिए भेद नहीं होता। इसलिए उस आत्मा को जो कुछ भी आप श्रद्धा से देंगे, ध्यान क्या रखिएगा, श्रद्धा के साथ देंगे, वो आत्माएं वो चीजें आपको ग्रहण करेंगी। हमारे जो कुछ नक्षत्र है ना, उनमें पितरों की, उनके देवता ही पितर हैं, और बहुत शक्तिशाली नक्षत्र हैं, उनके आगे कोई टिकता नहीं। आप उनकी श्रद्धा अनुसार अगर श्राद्ध कर्म करते हैं तो उनकी कृपा आपको मिलेगी और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो आपके अगर स्वप्न में पितर आपको दर्शन दे रहे हैं तो कुछ मैसेज दे रहे हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ में आता तो मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन पितरों का श्राद्ध अवश्य करिएगा। ये श्राद्ध श्रद्धा के दिन है। आज वो पितर हो चुके हैं, कल आप पितर होंगे, तो इसलिए ना करें कि आपके पितर प्रसन्न हो, बल्कि इसलिए करें कि कल आप पितर हो ना, तो आपके लिए भी श्रद्धा के 2 सुमन अर्पित किए जाएं। हमारी संतानें वो नहीं करेंगे जो हम कहेंगे, हमारी संतानें वो अवश्य करेंगी जो हम करेंगे। तो आपके पितर आप पे प्रसन्न हो। अच्छा, आप ये भी जान सकते हैं कि आपके पितर कहाँ गए हैं। जान सकते हैं कि नहीं? जान सकते हैं। उनके मृत्यु के समय की आप कुंडली बनाइए और उसे पता कर सकते हैं कि पितर कहाँ तक की यात्रा किए हैं, अभी कहाँ हैं। ज्योतिष बहुत ही रोमांचक विषय है, अद्भुत है। तो आप लोगों को पितृ पक्ष की मंगल में शुभकामना श्रद्धा के साथ करिए। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, करिए, बहुत कुछ होता है। आपके सामने पड़ी हुई एक निर्जीव जो वस्तु है उसका भी असर पड़ता है। आपके बगल में खड़ा हुआ पहाड़ बादलों को रोक लेता है। पहाड़ नीचे है, बादल बहुत ऊपर है, लेकिन बादलों को रोक लेता है, वहां वर्षा ज्यादा होती है। तो आपके पितर आपके लिए आशीर्वाद रूपी वर्षा क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। श्रद्धा के साथ मनाइए, गरीबों को खिलाइए, शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए पिता के नाम पे, माता के नाम पे, जो लोग नहीं है उनके नाम पे खाना खिलाइए। लाभ होगा महाराज, लाभ होगा। आपके अकाउंट में कोई भी कहीं से पैसा जमा करे, अकाउंट में पैसा आता है ना, 1 रुपए हो, 1 लाख हो, उसी तरह आप अपने पितर के लिए जब भी इस तरह के कार्य करेंगे, भूल जाइए। लोग डायरेक्ट पूछते हैं कि हम ये इनको खिला रहे हैं तो कैसे जाएगा, नहीं, तर्क मत करिए, श्रद्धा करिए,
तर्क करेंगे तो जिंदगी उलझ जाएगी, और श्रद्धा के साथ रहेंगे तो जिंदगी सुलझ जाएगी। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।